सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं हमारा पुराना गेम प्ले गैंगस्टर वेगास। तो भाई ये जो गेम प्ले है ना, ये मैं बहुत टाइम के बाद ऑलमोस्ट एक महीने के बाद खेलने वाला हूँ। तो भाई इसके अंदर जो हमारा सबसे मेन पार्ट था, इस पर हमारे बहुत सारे लोगों ने प्यार दिखाया था, वो था हाउ टू सेल मल्टीपल कार्स इन गैंगस्टर वेगास। तो भाई स्टार्ट कर रहा हूँ मैं स्पोर्ट्स कार के साथ, और भाई इसी वीडियो में मैं आपको बहुत सारे तरीके बताऊंगा कि कैसे आप गाड़ी चोरी करने के बाद बहुत आसानी से बच सकते हो। सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं अपने उसी पुराने तरीके से अपनी इस गाड़ी को चोरी करने के लिए, जो कि हमारा एयरपोर्ट वाला एरिया। तो भाई एयरपोर्ट वाले एरिया के लिए मैं हमेशा अपना फेवरेट रूट ये वाला लेता हूँ, और पीछे की साइड से इस ग्रीन जोन से होता हुआ मैं चला जाता हूँ एयरपोर्ट के पीछे, जहाँ पर ये दीवार है और राइट लेफ्ट साइड में है पानी। तो भाई पानी और दीवार के बीच का जो एरिया है ना, यहाँ पर पुलिस ना तो आपको देख पाती है, ना आपका पीछा कर पाती है, और ना ही आपकी गाड़ी को ट्रेस कर पाती है। तो भाई ये सारी चीज़ें होने के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है पुलिस के लिए आपकी गाड़ी को पकड़ना। तो भाई यहाँ पर हमारी ये वाली गाड़ी हो गई है सेफ, और अब इसको लेकर जा रहा हूँ मैं बेचने के लिए। टाइम ना वेस्ट करते हुए रूट कर देते थोड़ा सा छोटा, और बस हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं उस लोकेशन पर जहाँ पर हम इस गाड़ी को बेचने वाले हैं। सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठाने के लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसे आप लोकेशन पे पहुँच जाओगे, आपको सिर्फ सेल नहीं करना है, आपको सेल करना है विद एडवर्टाइजमेंट। तो अगर आप एक एड देख लेते हो ना, तो आपको आपकी गाड़ी का 5 गुना प्राइस मिलता है। तो भाई तभी रात को घूमते घूमते मैं इस लोकेशन पे आया, यहाँ पर मुझे दिखी दूसरी गाड़ी। गाड़ी है या बाइक है? बाइक है। तो एक ड्रैगन बाइक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी बाइक चोरी का। गाड़ी हम लोग एक चोरी कर चुके हैं, यहाँ पर हो गई हमारी ड्रैगन बाइक इकट्ठा। भाई ड्रैगन बाइक लेकर मैं निकल गया हूँ, और पुलिस वाला लेके आ रहा था अपनी जीप। उस जीप के अंदर बैठे हुए चीफ पुलिस वाला से बचता हुआ मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट की तरफ। और भाई ये बाइक तो बहुत आराम से बच जाएगी, मुझे नहीं लगता मुझे लास्ट तक जाना भी पड़ेगा, जो फ्लाई ओवर है जहाँ पर जाकर हमारी गाड़ी सेव हो जाती। भाई मैंने गलत टर्न ले लिया, मैं बीच रोड बीच एयरपोर्ट पर आ गया हूँ, यहाँ पर मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा सेफ है, तो मैं लेफ्ट चल जाके बाहर निकल जाता हूँ यहाँ से। वो यहाँ से बाहर निकलने के बाद पीछे जाएंगे, इतने में हो जाएगा आई थिंक, यहीं से राइट ले लेंगे। हाँ जी हो गया, यहाँ से राइट लेके हम लोग जा रहे हैं सीधा इस बाइक को बेचने के लिए। बाइक बेचने के लिए मैं ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। सेम चीज़ आपको करनी है, एडवर्टाइजमेंट देखना है, और अपने अमाउंट का, गाड़ी के अमाउंट का 5 गुना देना है। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक तो ये तरीका है कि आप एयरपोर्ट के पीछे जाके बहुत आराम से गाड़ी चोरी कर सकते हो, दूसरा तरीका है कि अगर आप वो रूट नहीं लेते तो आप कैसे बच सकते हो, अभी मैं बताता हूँ। पहले तो ये वाला हम एयरपोर्ट की तरफ से ही लेंगे, ये हमारी थर्ड है सुपर व्हीकल जिसमें हमें बाइक मिली है मॉन्स्टर कार। मॉन्स्टर कार का जो फ्रंट हिस्सा अगर आप देखो तो ऐसे लगता है जैसे किसी बैल का मुंह काट के वहाँ पे लगा दिया है, और भाई बहुत ही भयंकर गाड़ी रखती है ये, पीछे से इतने सारे साइलेंसर लगे हुए हैं, सब में से आग निकल रही होती है, तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त गाड़ी है ये। भाई ऊपर से हेलीकॉप्टर गोलियाँ चला रहा है, और भाई पुलिस की गाड़ियाँ पूरे रोड पर फैली हुई हैं, इनसे बच बचा के हमें भागना पड़ेगा और एयरपोर्ट के पीछे चलता है। इस गाड़ी के लिए सबसे अच्छा एरिया एयरपोर्ट के पीछे है, क्योंकि बहुत छोटी और बहुत तेज़ कार नहीं है ये, बहुत बड़ी और थोड़ी सी अनस्टेबल कार है। इसको चलाने के लिए भाई आपको बहुत ज़्यादा अच्छी ड्राइविंग आना ज़रूरी है, वरना फिर आप स्लो चलाओ। तो भाई यहाँ पर पहुँचने के बाद है ना, यहाँ पर पहुँचने के बाद एक पुलिस वाले की गाड़ी बहुत तेज़ आ गई थी, उसने हमें ट्रेस कर लिया है। तो अगर यहाँ पर आकर आप लोग फंस जाओ तो आप लोगों को कैसे बचना है? सेम वही तरीका जैसे आप लोग आए थे जिस रूट से, उसी रूट से वापस जाओ। जैसे ही वापस जाओगे ना, मेन रोड पर पहुँचने से पहले आप लोग बच जाओगे, क्योंकि एक दो गाड़ियाँ ही हैं जो ऑफ रूट निकल कर आपकी गाड़ी के पीछे आ जाती हैं, हर एक गाड़ी नहीं आएगी। तो पूरी पुलिस फोर्स नहीं है यहाँ पे, आपको बस यहाँ से वापस जाना है इसी रूट से होते हुए, बिकॉज लेफ्ट साइड में दीवार और राइट साइड में पानी होगा तो कोई ट्रेस करने आएगा ही नहीं। आई थिंक ऑलमोस्ट सेव होने वाला है, और हो गया। हाँ जी, तो हमारी गाड़ी हो गई यहाँ पर पूरी तरह से सेफ, और यहाँ पर इसको लेकर हम लोग जा रहे हैं बेचने के लिए। तो भाई ये हमारी शॉप है जहाँ पर हम लोग हमेशा इसे बेचते हैं। ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच चुके हैं, और जी ये रहा, विद ऐड देखेंगे पूरा 5 गुना अमाउंट लेंगे, $12,47,000 मेरे पास हो चुके हैं। और भाई अब जो कार हम लोग चोरी करने वाले हैं, इसका देखते हैं भाई क्या रूट बनता है, कहाँ पर लेकर जाता हूँ मैं। और भाई ये फिर से मॉन्स्टर कार है, लेकिन इस बार रेड कलर की है, पिछली बार नीले कलर की थी। तो
तो इसको भी मैं सोच रहा हूँ एयरपोर्ट के पीछे ले जाता, तो ये गाड़ी नॉर्मल तरीके से चुराने वाली है नहीं, इस गाड़ी को नॉर्मल तरीके से नहीं चुराया जा सकता, तो भाई इसको एयरपोर्ट के पीछे ही लेकर चलेंगे, या फिर डिसाइड करते हैं यार आराम से जाके, अभी कुछ डिसाइड फाइनल डिसाइड करके नहीं जा रहा हूँ मैं, इसको आराम से चल के डिसाइड करते हैं एक बार। तो पुलिस वालों की गाड़ियाँ तो वह पूरा का पूरा रूट घेर के रख देती हैं, और भाई मैं जा रहा हूँ फिर से अपने पुराने रूट पर। ये हमारी फोर्थ सुपर कार है भाई, इसको चोरी करने के बाद है ना बहुत तगड़ा अमाउंट हमारा टोटल में हो जाने वाला है, और उसके बाद भाई मज़े ही मज़े, ऑलमोस्ट सेव हो गई है, कोई गाड़ी पीछे नहीं है, तो भाई कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आई थिंक सेव हो गई है अब तक। हाँ जी डन, सेव हो गई, इसको भी बेचने के लिए चलते हैं, रूट कर देते हैं थोड़ा सा छोटा। भाई यही है वो वीडियो जिसको सबसे ज़्यादा प्यार दिया आप लोगों ने आज तक, तो भाई प्लीज़ इस वीडियो को भी अपना प्यार देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे वीडियो इस गेम के रिलेटेड भी मैं लाता रहूँगा। GTA 5 की वीडियोस भी बहुत सारी मैंने अपलोड कर दी हैं, साथ ही साथ बहुत सारे सिमुलेटर गेम्स भी मैं खेलता हूँ, वो वीडियोस भी देखते रहना। ये वाली गाड़ी भी मैंने बेच दी है, और भाई इसके बाद मेरा हो गया पूरा 12-12.5 लाख। तो भाई सिमुलेटर गेम्स, GTA 5 और बहुत सारी मोड्स वगैरह का गेम्स मैं खेलता रहता हूँ, तो वो वाली वीडियोज़ भी प्लीज़ जाके चेकआउट करना, और इस वीडियो को भी अपना पूरा प्यार देना। तो भाई ये आ गई है हमारी सुपर कार, जो कि एक्चुअल में भी सुपर कार है, भाई इसको सुपर कार में कन्वर्ट करके पिंक कलर में दे दिया है, वरना रेड ब्लू कलर येलो में तो मिलती रहती है। तो इस कार को लेके मैं सोच रहा हूँ कि मैं एयरपोर्ट का रूट ना लूँ, और मेन सिटी में रहते रहते आपको बताऊँ तो भाई कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना, ऊपर जो आपके रेड कलर के स्टार दिखा रहे ना पुलिस वाले 4, इसका आपने वेट करना ब्लू होने का। जैसे ही आप लोग ऑफ रूट चले जाओगे यहाँ पर पुलिस वाले नहीं होंगे, वहाँ पर ये वाले स्टार जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे ब्लू। जैसे कि अभी हम लोग बाहर हैं, स्टार हो गए हैं ब्लू, और भाई इन्हीं ब्लू स्टार से होते हुए ना हमें बस काफ़ी देर तक है ना इस ब्लू स्टार को रोक के रखना है, हमें किसी भी पुलिस वाले की गाड़ी के ट्रेस में नहीं आना है, हमें बहुत शांति से रखना है सारी चीज़ों को। वो देखा कुछ सेकंड की बात है, अगर आप पुलिस वालों से बचकर रहते हो तो आप किसी के ट्रेस में आओगे नहीं, उसके बाद पुलिस वाले आपके आसपास घूम रहे होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्टार हट चुके होंगे। तो ब्लू स्टार के हटने के बाद मैंने बस थोड़ा सा टाइम दिया और मेरी गाड़ी हो गई है सेफ, और भाई इसके लिए पूरी सिटी घुमाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ब्लू हो जाए, ब्लू होने के बाद किसी भी गली में घुमा दो, और भाई वहाँ पर लाइक पुलिस की गाड़ियाँ नहीं आती है। इसको प्रूव करने के लिए मैं आपको एक और गाड़ी दिखाऊँगा, ऐसा नहीं कि मैं इसी से आपको साबित कर रहा हूँ गया नहीं। ये है हमारी सेकेंड कार, लेट्स सी इसको कैसे हम लोग टैकल करते हैं, कार है या बाइक है ये भी नहीं पता मेरे तो। हाँ जी बाइक है, कार नहीं है। इसको भी मैं सोच रहा हूँ सिटी के अंदर ही रख के लाइक बचा कर दिखाऊंगा, एयरपोर्ट के पीछे नहीं लेके जाऊंगा, क्यों मोस्टली लोग अभी सोच रहे होंगे भाई ये तो हमेशा एयरपोर्ट के पीछे ले जाता है, वहाँ पे तो गाड़ी बच ही जाती है, तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, वो जो एयरपोर्ट का रूट है वो आप लोगों को इसलिए दिखा रहा था कि आप लोग भी इसमें प्रो हो जाओ, और बहुत जल्दी से अच्छा खासा पैसा बना के आप अच्छे से गेम खेल पाओ। तो यहाँ पर हो गए थे हम लोग ट्रेस, मुझे लग रहा था हम लोग बच जाएंगे, बट आप लोगों को दिखाने के लिए मैं बिल्कुल पूरा जी जान लगा देता हूँ भाई। तो ये ब्लू जोन है आई थिंक, नहीं ब्लू जोन नहीं है, रेड है, यहाँ पर भी गाड़ी थी भाई। बाइक के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, आई एग्री कि बाइक के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। हाँ जी अब आ गए हम लोग ब्लू जोन में, अब मुझे लग रहा है मुझे इस ग्रीन वाले जोन पे जाना चाहिए या फिर साइड में रहना चाहिए। फिर से रेड हो गया, ब्लू फिर से रेड, अरे हे फाइनली हम लोग ब्लू जोन में आ गए भाई। मुझे लगता है यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं आने वाली है, पीछे की तरफ इसको छुपा के रख लेते हैं, यहाँ पर रुक जाता है। और यहाँ रुकने के बाद मुझे नहीं लगता कोई भी गाड़ी हेलीकॉप्टर आने वाला है, क्योंकि सब कुछ दूर दूर है। मैं थोड़ी सी देर वेट किया और बाइक हो गई है बिल्कुल बेचने के लिए रेडी, और इसको हम बेचने के लिए जाएंगे। बेचने का रूट ये रहा, और भाई ये रही वो शॉप जहाँ पर हम बाइक बेचेंगे। भाई अभी है ना मेरे को एक चीज़ पता चली कि बाइक का प्राइस उस मॉन्स्टर कार से ज़्यादा है। तो उस मॉन्स्टर कार पे तो बिना बात की ही हम लोग मेहनत करते हैं, वरना वो लायक है नहीं उसके। तो भाई एक और कार, और ये होने वाली है हमारी लास्ट कार आज के दिन की। भाई ये है फिर से F1 रेसिंग कार, जो कि इस गेम की सबसे ज़्यादा महंगी कार है,
और भाई इस कार को बेचो या फिर येलो कलर की लैम्बोर्गिनी को, आपको सेम $2.5 लाख मिलते हैं अगर आप ऐड देखने के बाद बेचते हो तो। तो भाई ये कार अगर कहीं भी दिखे ना, इसको इग्नोर नहीं करना है, भले ही आपने उस टाइम पे कोई दूसरी सुपर कार उठा रखी हो, उसको छोड़ दो और इसको ले लो। यहाँ चुपके ऐसा लग रहा बच जाऊँगा, लेकिन नहीं, पुलिस वालों ने ट्रैक कर लिया था मुझे। और भाई पुलिस वालों के पास ट्रैकिंग डिवाइस तगड़े वाले होते हैं। ओ भाई ये तो गिराने के चक्कर में है यार। लेकिन भाई इस गाड़ी के कंट्रोल जितने तगड़े हैं ना, उतने तगड़े किसी भी गाड़ी के नहीं है। ये बहुत ईजीली हैंडल हो जाती है। और भाई इसको भी ना बाहर के बाहर रख के ही बचा के दिखाऊंगा। तो फिलहाल यहाँ पर मेरे ख्याल से नहीं, यहाँ पर नहीं बचने वाला है भाई। हेलीकॉप्टर भी आ गए और वो फायरिंग कर रहे सीधा। एयरपोर्ट के पीछे नहीं जाना है बस, कुछ भी करके इतना समझ लो, एयरपोर्ट के पीछे नहीं जाना, वैसे ही बचा कर दिखानी है। तो फिर से हम लोग रेड जोन में आ गए हैं। और भाई बहुत तेज़ कार है ये, बहुत ज़्यादा तेज़। इससे पहले कि आप बचाओ, उससे पहले तो आप रेड जोन में चले जाते हो अपने आप ही। मैं यहाँ पर थोड़ा सा रुक के फ़ायदा हो रहा है, इस गली में चलते हैं, यहाँ मोड़ लेता हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ मोड़ने के बाद मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई भी पुलिस वाला आने वाला है, क्योंकि सब लोग चारों तरफ तो हैं, लेकिन किसी को पता नहीं कि मैं हूँ कहाँ। मैंने इंजन बंद कर दिया अपना, और भाई ये गाड़ी भी हो गई है सेफ। भाई अगर वीडियो आई हो पसंद तो प्लीज़ चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक, क्योंकि भाई इसके अंदर मैंने आपको वो ट्रिक भी बताई है जहाँ पर आप हर बार सेफ हो जाओगे, और वो ट्रिक भी जो कि आप बिल्कुल चौड़े में खेलोगे और कहीं छुपने की ज़रूरत नहीं, और फिर भी बच जाओगे। भाई $19 लाख हो गए हैं इसी गाड़ी की चोरी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपने घर वालों का खुद ध्यान, और आप सबको राम राम।